सतना में अंबेडकर प्रतिमा तोड़ी, विरोध में अनुयायियों ने शुरू किया धरना, एसडीएम ने नई प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शहर की नई बस्ती क्षेत्र के अंबेडकर नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर बवाल मच गया। बुधवार की सुबह से ही यहां अंबेडकर अनुयायियों की भीड़ जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, समझाइश का दौर भी चला, लेकिन नाराज लोगों नहीं माने और तंबू लगाकर अनशन पर बैठ गए। सतना शहर के वार्ड नंबर 14 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को रात के अंधेरे में किन्हीं शरारतियों ने तोड़कर चबूतरे के नीचे फेंक दिया। बुधवार की सुबह जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो आक्रोश गहरा गया और बस्ती के तमाम लोग वहां आ पहुंचे। खबर मिलने पर बसपा प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी, शिवा कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और पार्षद तिलक राज सोनी समेत तमाम बसपा नेता और अंबेडकर वादी भी आ गए। स्थिति तनावपूर्ण होती देख कोलगवा टीआई सुदीप सोनी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज लोगों से बातचीत शुरू की, लेकिन समझाइश के तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। देखते ही देखते वहां तंबू तान दिया गया और क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया। लोगों ने नगर निगम प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी भी की। पहले भी हो चुकी है घटना। पार्षद तिलक राज सोनी ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने का यहाँ यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दो बार प्रतिमा तोड़ी जा चुकी है। पिछली बार नगर निगम प्रशासन की तरफ से भरोसा दिलाया गया था कि इस स्थान पर अंबेडकर पार्क बनाया जाएगा, प्रतिमा को क्षति ना पहुंचे इसके प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण तीसरी बार घटना हुई। बसपा नेता और सतना विधानसभा से प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने और आश्वासन के बावजूद पार्क और प्रतिमा की व्यवस्था करने में प्रशासन ने लापरवाह और उपेक्षा पूर्ण रवैया दिखाया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी प्रतिमा तोड़े जाने की लगातार हो रही घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की है। सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले समाज के भी अपराधी हैं, जो अपनी इन हरकतों से समाज में जहर घोलने का घिनौना काम करते हैं। एसडीएम ने दिया आश्वासन, लेकिन चलता रहेगा अनशन। नई बस्ती के अंबेडकर नगर में अंबेडकर प्रतिमा टूटने से बने तनावपूर्ण हालात की जानकारी मिलने पर एसडीएम सिटी नीरज खरे मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज लोगों से बात की। एसडीएम ने आश्वस्त किया कि आज ही यहां नई प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी और आचार संहिता समाप्त होने के बाद सौंदर्यीकरण और बाउंड्री वॉल बनाने का काम भी कराया जाएगा। एसडीएम के आश्वासन के बावजूद स्थानीय लोगों ने 5 दिसंबर को आचार संहिता समाप्त होने तक क्रमिक अनशन जारी रखने का फैसला किया है। ये अंबेडकर नगर है, वार्ड नंबर 14 में। यहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति कई सालों से स्थापित थी। कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उसको थोड़ा सा तोड़ दिया है, तो मूर्ति टूट गई। इसको लेकर जो है लोगों में आक्रोश था। आज नगर निगम के माध्यम से वो मूर्ति स्थापित की जाएगी और यहाँ सौंदर्यीकरण किया जाएगा इस स्पॉट का, और बाउंड्री वॉल वगैरह डेवलप करने की बात आई है, जो उसके लिए कहा गया है कि 5 तारीख के बाद इसको काम किया जाएगा। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।